डॉगी लोग को तो हड्डी जैसा ही पसंद आएगा ना, तो अभी हम चिकन ठीक है। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? फिर से मैं आ गया हूं अपना वीडियो लेके, और आज मैं जा रहा हूं एक कैफे जिसका नाम है फाइव एंड डाइन, जो कि सेक्टर 5 में है। बट मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। इस कैफे में जाने का मेरा एक ही मोटिव था कि वहां पे दुर्गा पूजा कोई स्पेशल ऑफर आने वाला है बफेट का, तो मैं चाहता कि आप लोगों को ही पता चले, जिसका लीफलेट मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। और हाँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पैसा नहीं लगता यार। और इससे फाइनली पहुंच चुका हूँ फाइव एंड डाइन, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे में, ठीक है। हाँ, ये रास्ता हमेशा एक ही जगह पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 कैफे ऑलरेडी, मैं यहाँ पे आके 5-6 कैफे का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जितना भी कैफे है ऑलमोस्ट ज़्यादा इधर ही है, ठीक है। और सामने हमारा बिल्डिंग है और वहाँ से एंट्री, ठीक है। चलो जाके देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है ये फाइव एंड डाइन। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, मेरे को पता है, बट चलो जाके बताते हैं कि हाँ, आप लोग के लिए सूटेबल है कि नहीं, और आप लोग का बजट में आया कि नहीं। चलो जाके देखते हैं। और गाइस, तो मैं फाइनली फाइव एंड डैम के रूफटॉप कैफे पे आ चुका हूँ। यहाँ का माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बट हाँ, जो सोच के मैं आया था, मतलब वैसा तो नहीं है, ठीक है, मतलब उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। मतलब अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो। और बाकी इसका एक और पार्ट है जो कि अंदर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अभी हम लोग गए नहीं है क्योंकि हम लोग को बाहर बैठने का मन था, और अभी है बारिश का माहौल, ठीक है। तो अभी हम लोग बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश कब शुरू हो जाए पता नहीं, तो इसलिए अभी पहले वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा कि अंदर का माहौल कैसा है। और हाँ, मेन जो आप लोग का क्वेश्चन होता है कि हाँ, आप लोग का बजट में आए कि नहीं, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। और खाना वगैरह भी कैसा है वो भी देख लेंगे। और कितना बार तुम ठीक है बोलोगे ये बताओ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अरे यार, हाँ, इसको एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे को आदत है, ठीक है, जब मैं दे दो, ठीक है। अरे पहले मेरे को कंप्लीट तो करने दो, मेरे को आदत है, ठीक है। फिर से ठीक है बोला यार, मेरे को बोल ले दो पहले। मेरे को एक आदत है कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसको करेक्ट, मतलब आप लोग सही समझ रहे हो कि नहीं, उसके लिए मैं बोलता हूँ ठीक है। मतलब अगर कोई इंग्लिश में बात करे तो मैं बोलता हूँ ऑलराइट, ऐसे बोलता है बहुत जन, बंगला में भी बोलता है ठीक है, ऐसे मैंने एक्सप्लेन जब करता है तो कोई इस, मतलब एक वर्ड आ जाता है, तो इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। एक्चुअली सच में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बट मेरे को आदत पड़ गया, मैं क्या करूँ। तो जो बोलते हैं तकिया कलाम, क्या बोलते हैं उसको, तकिया कलाम, जो आदत बन जाता है, मतलब हर बात में ठीक है बोलना, तो हो गया। तो उससे मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। ওটা কিরকম মানে ওটা আপনার সসে টস করা, হ্যাঁ সসে টস করা হবে। আর আপনি চিলি গার্লিক সস নিতে পারেন, আর বাটার গার্লিক নিতে পারেন। না, চিলি গার্লিক সস দিয়ে করুন ওটা, তাহলে ঠিক আছে। এট না तो गाइस, हमने देखा से काफ़ी देर से ऑर्डर करी, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि हाँ, मतलब लड़की लोग कितना एक्सपर्ट होता है ऑर्डर करने में। और मेरे को सच बता रहा हूँ तो मेन्यू अभी जस्ट आया और उसने बस एक नज़र डाला और ऑर्डर करना शुरू कर दी। अब बताओ कहाँ से आता है कि लोग, मतलब कितना लड़के से तुम मिले मेरे से पहले? अजब पब्लिक होते लड़की लोग, मतलब लड़की लोग कहने का मतलब, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम बंगाली हो और मेरा हिंदी थोड़ा ज्यादा खड़ा हो गया ना, इसलिए ऐसे मेरा निकल जाता है मेरा। और क्या करूँ, मैं लड़की लोग नहीं बोला, मैं बोला लड़की, मतलब बोलना चाहता था, निकल गया क्या कुछ भी। और गाइस, तो हम लोग का अभी ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। हम लोग का अभी हुक्का आ चुका है, ठीक है। हुक्का मैं पी के दिखाने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ देर पहले इसका तारीफ कर रहा था श्रेया का, कि कितना एक्सपर्ट ऑर्डर करने में, ये वो मेन्यू लिया और मतलब ऑर्डर कर दिया। भाई अभी पता चल रहा है कि मैंने उससे पूछ के, भैया जो आए थे वो ऑर्डर लेने के लिए, उससे पूछ के ऑर्डर कर दिया। उसको पता भी नहीं कि ये क्या है, मतलब क्या बोल, जब मैं पूछ रहा इससे कि क्या मंगाइए बता, मेरे को वीडियो बताना है, मेरे को नहीं पता, मैं तो वो सजेशन मेरे को वो सजेस्ट किया था, भूल नहीं गए तुम याद ही नहीं रहता है मेरे को कहेंगे। जो भी गाइस, ये हमारे साथ रह रहे कि हम भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं। चलो गाइस, तो खाओ, बता देता हूँ कि हाँ इसका टेस्ट क्या है, ठीक है। ये चिकन टिक्का, तो चिकन टिक्का मैं पहले खाऊंगा, ठीक है। मेरे को लगा ये हड्डी वाला है, बट ये हड्डी वाला नहीं है, चिकन टिक्का है ये, मेरे को पता ही नहीं था, मैं भी थोड़ा अनाड़ी हूँ। चलो, डॉगी लोग को तो हड्डी जैसा ही पसंद आएगा ना। चलो टेस्ट करते कैसा है ये, कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी।
ओह माय गॉड गाइस माइंड ब्लोइंग सच बता रहा हूँ, अगर मैं आप लोग इस कैफे में आते तो मैं प्रेफर करूँगा कि चिकन टिक्का ऑर्डर करो यार। जो मसाला यूज किया ना भाई माइंड ब्लोइंग, ऐसा चिकन टिक्का मैं कभी नहीं खाया, मतलब कहीं नहीं खाया, कभी नहीं मतलब कहीं नहीं, ऐसा नहीं खाया, बहुत जगह पर खाया बट ऐसा नहीं खाया, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो आपको फिश का बताता हूँ कि फिश कैसा है। ये एक्चुअली फिश को सॉस में टॉस किया गया, इसका मैंने नाम पूछा तो बोला कि बस ये फिश फ्राई है जिसको सॉस में वो गार्लिक के साथ टॉस किया है, गार्लिक सॉस, गार्लिक सॉस जो भी इसको मतलब फ्राई करके बनाया है। चलो तो टेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मली आप कोई भी कैफे में अगर फिश खाओगे तो उसमें थोड़ा सा स्मेल रह जाता है, बट इसमें लग नहीं रहा कि फिश है, मतलब इसको इतना फ्राई कर दिया कि टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब लग नहीं रहा फिश है। अब बहुत जन बोलेगा यार जब लग नहीं रहा फिश है तो फिश खाने का मतलब कैसा हुआ, मतलब मैं उस मीनिंग से नहीं बोला, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिश वाला स्मेल नहीं है, टेस्ट अच्छा है, मतलब फिश खा रहे हो टेस्ट अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा बकबक हो जाएगा। ये भगवान क्या जुलूम है। हम लोग का एक और ऑर्डर आ गया ठीक है, जो कि है पेरी पेरी चिकन विंग्स। चलो मैं इसको खा के बताता हूँ कि ये कैसा है, काफ़ी देर पहले आया था ठीक है, तो उसे ठंडा हो गया तो टेस्ट में थोड़ा चेंज आ सकता है, बट खा के देखता हूँ कि कैसा है। और हमें हाथ से इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि चम्मच से खा नहीं सकते क्योंकि इसमें हड्डी है, तो बोले थे ना हमारा फेवरेट हड्डी, कुत्ता को हड्डी पसंद है ये बोले थे ना, तो ये हड्डी तुम भी खाओ ना, मैच हो गया ना, तुमको पसंद आया ना, चुप करो। सच बता रहा हूँ बहुत सारा ऐसा स्टार्टर होता है ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, बट ये विंग्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठंडा हो गया फिर भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग गाइस, जबरदस्त। तो गाइस ये रहा आंध्रा का पार्ट, आंध्रा का पार्ट काफ़ी अच्छा ठीक है, मतलब आंध्रा से काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया। और हाँ मुझे मतलब मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बहुत जन खा रहे थे, बट लकीली यार यहाँ पे पूरा सब जो भी थे यहाँ पे कस्टमर सब चले गए और ये पूरा फाँका हो गया है, सिर्फ हम ही लोग हैं ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैफ़े कैसा लग रहा है, ये देखो, ये देख अंदर का पार्ट काफ़ी है, मतलब मुझे रूफटॉप से ज़्यादा ये अंदर का पार्ट अच्छा लगा ठीक है, ये बैकग्राउंड तो सबसे ज़्यादा मस्त लगा मेरे को, ये देखो पूरा बैकग्राउंड। हाँ आप ये सामने देखो, सामने है बार काउंटर, यहाँ पे अल्कोहल मिलता है, बट आज है डाइट क्योंकि आज से महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर है आज, इसीलिए गाइड है, तो जो भी है आप लोग अगर अल्कोहल पीना चाहते हो तो नॉर्मल डे में आ सकते हो। और गैस तो वीडियो पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलो गैस बात करते हैं अपना एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कैफे में ठीक है, हालांकि मैं कैफे में बैठ के ही आउटरो बना रहा हूँ, बट आपको बता दूँ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक ही था ठीक है। प्राइस की बात कर लेते हैं कि फूड का प्राइस कितना था, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था फिश, जो कि फिश का प्राइस पड़ा हम लोग को 475, उसके बाद चिकन टिक्का हम लोग को पड़ा 415, और हाँ लास्ट में ऑर्डर किया था बारबेक्यू चिकन विंग, जो कि पेड़ी पेड़ी बारबेक्यू चिकन विंग, जिसका प्राइस पड़ा 375 ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लगा कि प्राइस जो है मीडियम है, मतलब कम नहीं है, मीडियम में और ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो अगर आप लोग चाहो तो आके ले सकते हो। हाँ होके का जो प्राइस पर हम लोग को 555, जो कि मुझे लगा कि ठीक ठाक ही है ठीक है, बाकी सारे कैफे में इससे ज़्यादा दाम होता है, बट हाँ मुझे लगा होका लेना वेस्ट हुआ, ओवरऑल एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा, आप लोग चाहो तो आ सकते हो ठीक है, एड्रेस जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, और हाँ इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, तो मिलता है कौन है वीडियो में कौन है ब्लॉग के साथ, गुड बाय, खुश रहो दो सुख रहे दो, टड़ांग।